हाय गाइस, मेरा नाम अजय कुमार है। अगर आप भी जीमेल अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाला है। कई बार क्या होता है कि हमारा जो जीमेल अकाउंट है वो अचानक से हैक हो जाता है, जहाँ किसी ने आपके जीमेल अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर दिया। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे उसे दोबारा रिकवर करना है। हैक हुए जीमेल अकाउंट को आप एक ही छत पर रिकवर कर सकते हो। जब आपने जीमेल का अकाउंट क्रिएट किया था तब आपने रिकवरी के लिए एक मोबाइल नंबर दिया था। ये तभी होता है अगर फ्यूचर में आपका जो जीमेल अकाउंट हैक हो जाता है, जहाँ आप उसका पासवर्ड भूल जाते, तो आप दोबारा जीमेल अकाउंट को कवर कर सकते हो। जिस पर्सन ने आपका जीमेल अकाउंट को हैक किया है, अगर वो आपके जीमेल अकाउंट पर न्यू नंबर को अपडेट कर देता है, तो आपका जो जीमेल का अकाउंट है वो रिकवर नहीं होगा। जब मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, एक बार आप कोशिश कर सकते हैं, क्या पता आपका जो जीमेल का अकाउंट है वो रिकवर हो जाए। इससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल टेक्स्ट ऐप पर नहीं है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चलो मैं आपको प्रैक्टिकल कर बताऊंगा लैपटॉप की स्क्रीन पर, और आप स्मार्टफोन में भी कर सकते हैं, तो स्टेप सेम ही रहेंगे। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लैपटॉप की स्क्रीन अगर स्मार्टफोन में करना चाहते हैं तो क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। मोबाइल स्क्रीन के ऊपर के राइट साइड कॉर्नर पर जाना है, वहां पर आपको थ्री डॉट देखेंगे, वहां पर आपने क्लिक करना है। जहां पर लिखा होगा डेस्कटॉप साइड, वहां पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे हमारे पीसी या लैपटॉप में पेज ओपन होते हैं, वैसे आपके स्मार्टफोन में भी होंगे। और जहां पर क्रोम ब्राउजर को मैंने ओपन कर लिया है अपने लैपटॉप में, तो जहां पर इसके वेब एड्रेस बार में टाइप करना है गूगल। गूगल टाइप करने के बाद जैसे गूगल का पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आप देख सकते हो राइट साइड कॉर्नर पर साइन इन की ऑप्शन आ रही है, जहां पर आप डायरेक्ट भी साइन इन कर सकते हैं। और जहाँ पर मैं जो कंप्लीट प्रोसेस है वो बताऊंगा, जहाँ पर मैं gmail.com लिखकर मैंने इंटर मार दिया है, और जहाँ पर आप देख सकते हो www.gmail.com, और जहाँ पर आपको gmail की ऑप्शन मिल जाएगी, जहाँ पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप gmail की ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो gmail का वेब होम वेब पेज है वो आ जाएगा, और जहाँ पर आप देख सकते हो ईमेल, जहाँ पर आपने वो ईमेल डालनी है जो आपकी हैक हो चुकी है, जहाँ किसी पर्सन ने आपके जीमेल अकाउंट का पासवर्ड को चेंज कर दिया है। जहाँ पर मैं जल्दी से डाल देता हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने डाल दिया है, और जहाँ पर मैं नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने इंटर योर पासवर्ड, पासवर्ड तो पता नहीं है क्योंकि हमारा जो जीमेल है वो हैक हो चुका है, और जहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिलेगी फॉरगेट पासवर्ड, जहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप फॉरगेट पासवर्ड क्लिक करोगे तो आपको जहाँ पर नीचे एक और ऑप्शन मिलेगी ट्राई अनदर अवे, जहाँ इसकी तो ऊपर की तो कोई जरूरत नहीं है, जहाँ पर आप देखेंगे ट्राई अनदर वे, जहां पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जहां पर आप देख सकते हो गेट अ वेरिफिकेशन कोड, गूगल विल सेंड अ वेरिफिकेशन कोड टू जो जे मेरा मोबाइल नंबर है, स्टैंडर्ड्स अप्लाई। ये मैं आपको बताता हूँ, जब आपने जीमेल का अकाउंट क्रिएट किया था तब आपने एक मोबाइल नंबर दिया था रिकवरी के लिए। ये तभी होता है कि जब फ्यूचर में आपका जो जीमेल अकाउंट है जहाँ हैक हो जाता है, जहाँ आप उसका पासवर्ड भूल जाते हो, तो आप अपने जीमेल अकाउंट को दोबारा से रिकवर कर सकते हो। ये तभी रजिस्टर किया जाता है, और आप एक बार जरूर ट्राई कर लेना कि जिस पर्सन ने आपका जो जीमेल का जो अकाउंट है वो हैक किया है, क्या पता है कि उसने जो आपके जीमेल के अकाउंट पर मोबाइल नंबर को अपडेट ना किया हो। और ये अगर नहीं किया होगा तो आपका जो जीमेल अकाउंट है वो 100% रिकवर होगा। और जब आपकी ऐसी ऑप्शन आएगी जहाँ पर आप अपने जो मोबाइल के, जहाँ पर आप देख सकते हो एंडले डिजिट देख लेना कि क्या है, जैसे मेरे मोबाइल का जो सिम का जो नंबर है उसका जो एंडले डिजिट है वो 13 है, तो जहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरा ही मोबाइल नंबर है। और उसके बाद जब आपका ये मोबाइल नंबर हो, जैसे आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा ही मोबाइल नंबर है, और उसके बाद आपने टेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है, जहाँ पर आप देख सकते हो आ रही ऑप्शन टेक्स्ट के बटन पर, जैसे क्लिक करोगे और जहाँ पर आप देख सकते हो टेक्स्ट मैसेज विद 6-डिजिट वेरिफिकेशन कोड वाज जस्ट, जो आपका मोबाइल नंबर है जो आपने रजिस्टर्ड किया था उस पर आपको एक मैसेज आएगा, वो आपने जहाँ पर डाल देना है, ये मुझे आ चुका है मैसेज। और जहाँ पर आप देख सकते हो 182659, जी आप देख सकते हो मैंने कोड को डाल दिया है, और नेक्स्ट के बटन पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और चीज आएगी जहाँ पर लिखा है क्रिएट पासवर्ड। आपने जब आपने अपने एक ध्यान से जब भी आप कोई भी यूट्यूब या कोई भी अकाउंट बनाते हो किसी भी सोशल मीडिया ऐप पर, वहां पर आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालना है, और आपने जो आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालना है उस पर आपने जो साइन है वो भी आपने यूज करने है, जैसे हैशटैग @%_ ऐसे आपने टैग जो साइन है वो इस्तेमाल करने हैं। मैं जल्दी से पासवर्ड को क्रिएट कर देता हूँ, ये आप देख सकते हो मैंने पासवर्ड को जो जहाँ पर डाल दिया है, और सेव के सेव पासवर्ड पर क्लिक करता हूँ, ये दोबारा भी मुझे डालना पड़ेगा।
यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर भी डाल दिया और सेव पासवर्ड पासवर्ड पर क्लिक करता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारा जीमेल अकाउंट है वो रिकवरी हो चुका है। और यहाँ पर मैं कंटिन्यू जीमेल पर क्लिक करता हूँ। ये अभी मेरी जीमेल है जो वो ओपन हो रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने जो जीमेल है वो मैंने रिकवर कर ली है जो मेरी हैक हुई थी। और ऐसे आप अपने जीमेल को रिकवर कर सकते हैं। और जहाँ पर आप देख सकते हो सिक्योरिटी अलर्ट, जहाँ पर आप देख सकते हो लिखा आ चुका है योर पासवर्ड वाज चेंज्ड। और जहाँ पर आप जब ये लाइन पढ़ेंगे आप रिकवर योर अकाउंट, यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा आ चुका है। ऐसे आप अपने जीमेल अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं। और उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। और आपको मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे YouTube चैनल को वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलें। बाय।